बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ मैं बिल्कुल ठीक ठाक एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह पाक से कि वो आपको हमेशा अपनी रहमतों के साए तले अपनी हिफाजत में रखे। तो नाज़रीन, आज की स्टोरी कुछ यूँ है कि मैंने जैसा आपको पहले बताया है कि मैं जहाँ पर जॉब करता हूँ कोका कोला डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वहाँ पर हमारा पिछला महीना बहुत ही कामयाब गुजरा है और बड़े अच्छे तरीके से हमने काम किया है चारों सेल्समैन ने। तो उसकी खुशी में हमारे जो सीनियर हैं, हमारे जो सुपरवाइज़र हैं, वो बहुत ही खुश हैं हम पर, हमारे काम पर बहुत खुश हुए और उन्होंने प्लान किया कि मेरी तरफ से आपको पार्टी दी जाएगी, हम कहीं आउटिंग पर जाएंगे, बाहर जाएंगे, खुद कुकिंग करेंगे और फिर इन्जॉय करेंगे। तो आज की स्टोरी वही मैं आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। हमने जो पार्टी इन्जॉय की है वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, देखिए और इन्जॉय कीजिए। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। वो वहाँ पर दूर आप देख सकते हैं कि मेरे कुछ दोस्त वहाँ पर मेरा वेट कर रहे हैं हैदरी अखाड़े में। तो फिलहाल हम जाएंगे अखाड़े में, अखाड़े में अपनी वर्कआउट वर्जिश वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद अपना एरिया रूट करेंगे, वर्किंग एरिया रूट, और अपना काम मुकम्मल करने के बाद हम चलेंगे पार्टी की जाना और जिस जगह पर हमने जाना है आउटिंग के लिए वहाँ पर लेकर जाऊँगा आपको। तो आइए चलते हैं फिलहाल हैदरी अखाड़े में, वहाँ पर थोड़ी सी वर्कआउट और वार्म अप करने के बाद फिर हम चलेंगे अपने काम पर। तो आज का सीन कुछ यूँ है कि अक्सर हम होटलों में तो खाना खाते रहते हैं, लेकिन आज खुद कोई प्लान किया जाए कि अपने हाथों से पकी हुई कोई चीज़ वो खाते हैं, वो एंजॉय करते हैं। तो उमर साहब ने ये फैसला किया था कि हम जाएंगे कहीं बाहर, कहीं ऐसी प्लेस में जहाँ पर बिल्कुल रिलैक्सेशन हो, मुकम्मल कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, वहाँ पर जाएँगे और वहाँ पर ये चीज़ इंजॉय करेंगे। तो उसी सिलसिले में हमने सारा सामान पूरा किया और उसके बाद हम निकल पड़े अपनी मुकर्रा प्लेस की जाना। पार्टी के लिए जो ज़रूरी सामान चाहिए था वो हमने पूरा कर लिया, हाथ वगैरह बर्तन वगैरह जो जितने ज़रूरी थे वो ले लिए, सलाद के लिए मूली खीरा वगैरह हर चीज़ वो घर से ले लिए, और ये हमारी सब्ज़ी और मसाले वगैरह टमाटर मिर्चें ये वो, और गोश्त है साथ 2 किलो गोश्त लिया। इंशाल्लाह वहाँ पर जाएँगे, खुद कुकिंग करेंगे और फिर इसको इंजॉय करेंगे पार्टी को। तो आइए चलते हैं पार्टी की जाना। उमर साहब की गाड़ी में था ज़रूरी सामान और हमारे चंद दोस्त, और वैसे भी वहाँ पर जाकर गाड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है मोटरसाइकिल की, इसलिए हम जा रहे हैं बाइक पर और साथ हमारे दोस्त हैं गाड़ी पर। तो वापसी पर देखेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं नाचा के जंगल में, और यहाँ पर कोका कोला के कुछ सेलमैन जो है ना, ये सेल करने के बाद आकर यहाँ पर प्रोफेशनल कोक बने हुए हैं। चार चार पीस करो। कोई प्याज काटने वाला और कोई जनाब ये आसिफ साहब, आपका काफी तजर्बा हो चुका है अकेले रह रहा है हैं? शादी के बाद तजर्बा हो जाता है, बेगम को भेजा हुआ है कहीं पे, और ये आसिफ साहब जो है ना 3-4 दिन, कितने दिन से आसिफ साहब अकेले हैं? नहीं नहीं, अच्छा तो सारा कुछ आ गया कि नहीं करना जी? बिल्कुल सीखना चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अजीम साहब तुम तो होने वाले होंगे,
ठीक है। और यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है जी जनाब, बड़ा कुकिंग करेंगे खुद, और खुद ही कुकिंग करके फिर इसको एंजॉय करेंगे। और यहाँ पर जनाब पार्टी हो रही है। तो हमने मेन जंगल के अंदर जाने के बजाय एक सेफ जगह का इंतखाब किया है, जहाँ पर बेहतरीन एटमॉस्फेयर है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं, और सेफ तरीन जगह है ये, जहाँ पर बैठकर हमने इस पार्टी को एंजॉय करना है। तो उमर साहब हमारे लिए बनाने लगे हैं दम पुख्त, जो कि बहुत ही आसानी के साथ बनने वाली डिश है। सारे मसाले और सारी चीज़ें इकट्ठी डालकर सबसे नीचे घी और उसके बाद गोश्त 2 किलो, फिर उसके बाद सारे हरे मसाले और उसके बाद गरम मसाला डाल के इसको बंद कर दिया गया। आटे की मदद से इसको बंद करके हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया जाएगा इसको 1.5 से 2 घंटे तक। सलाद आपे खाई जाते हैं, तुम कट्टी पा लिया चल नहीं रखो ले जी। हमारा काम खत्म, सारा कुछ सांडी में डालकर घी समेत गोश्त समेत और सारे मसाले वगैरह इसको रख दिया हल्की आंच पर। और तब तक ये जवान जो है ये सलाद बना रहे हैं, बनाने से ज्यादा खुद खा रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि जब तक हांडी पकेगी यहाँ पर सलाद का एक तीला नहीं रहेगा। हैं ऐसी बात ऐसे साहब, कोई आवाज नहीं यकीन कर, लेकिन है नंबर वन, नंबर वन तो है ही है बड़ा रिजल्ट चार आ रहा पिंड ना। दस मिनट के बाद इसको दोबारा खोलते हैं, चेक करते हैं कि हमारी हांडी कैसी तैयार हुई है। क्यों शाह जी जनाब, हांडी सही बनी होगी? सही, उमर साहब ने पकाई है। लगातार रख लाम शाह सही है सर जी, गल क्या लून मर्च भैड़ी होंगी।
माशाल्लाह जी हांडी बहुत अच्छी बनी है। अभी इसको थोड़ी देर में टेस्ट करते हैं और शाह साहब से पूछेंगे कि शाह साहब को ये कैसी लगी। सिर्फ शाह जी देखने में कैसी लग रही है? क्या बात है जी, बहुत अच्छी खुशबू वगैरह। और शाह साहब को ये मना है नमक काटे? शाह जी नमक काटे सर जी, वो बाद जिन्हें पाना है ना सब टेस्ट पा लेगा। सलाद रखो यार। सर हरी कुकिंग दा चैनल बनाने दी सोच रहे हैं सर जी। वेरी गुड। जी नाज़रीन, तो ये थी हमारी एक सादा सी और सिंपल सी पार्टी। हमने इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और बहुत मज़े की डिश बनी हुई थी जो कि बहुत मज़ा आया। सब ने इसको इंजॉय किया और फिर उसके बाद हम आए हैं वापस। और आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर इसमें कोई कमी है तो वो भी बता दें, क्योंकि आप लोगों ने ट्रेन करना होता है हमें और आप लोगों के रिएक्शंस देखकर ही हम वीडियो को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाते हैं। आप सब लोगों की मोहब्बत, प्यार और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आज तक के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।